मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम कर दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अफसोस की बात है कि नौबत यहां तक आ गई है। उन्होंने कहा कि एक प्रचंड बहुमत वाली पार्टी ने इस तरह का छोटापन दुर्भाग्यपूर्ण है। दुलकर सलमान की फिल्म किंग ऑफ कोठा के प्री रिलीज इवेंट में पहुंची राणा दग्गुबाती ने सोनम कपूर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद सोनम एक्टर पर भड़क गई थी। एक्टर ने बिना नाम लिए इवेंट में कहा था कि सोनम कपूर ने दुलकर सलमान खान का शूटिंग के दौरान बहुत वक्त खराब किया था। अब एक्टर ने ट्वीट कर सोनम कपूर से माफी मांगी। मुरादाबाद में आए दिन दो पक्षों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हुंड दंगाई के मन में कानून और पुलिस का खौफ नहीं है। ताजा मामले में महिलाएं सरेआम एक दूसरे से उलझती हुई नजर आ रही हैं, उनके बीच जमकर मारपीट होती नजर आ रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के ललितपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने मंदिर में जाकर भगवान शिव को खुश करने के लिए अपनी गर्दन को कटर से रेत दिया। ये देखकर मंदिर में मौजूद लोगों की चीखें निकल पड़ी। परिजनों ने आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश मद महेश्वर टेम्पल में आफत बनकर टूटी है, जिससे मद महेश्वर धाम की यात्रा करने पहुंचे श्रद्धालु और स्थानीय लोग समेत 250 लोग फंस गए थे। इन लोगों के वीडियो के सामने आने के बाद सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया और इनकी सूचना SDRF और NDRF को दी गई। रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को मकसद बताया है। सच तो ये है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट होने और तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ने के लिए कहा था। नीतीश कुमार किसी भी शहर में जाएं, लेकिन लोगों ने 2024 में मोदी को पीएम बनाने का मन बना लिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कभी नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना करते थे, तो कभी नरेंद्र मोदी बनाम लाल कृष्ण आडवाणी की। इसमें तो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन करते हैं तो नरेंद्र मोदी का भी समर्थन करना होगा। MP में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व को लेकर बहस तेज होती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस मार्ग को पूरा करने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने चंद्रयान पर भी सख्त टिप्पणी की है। वे पनवेल के वासुदेव बलवंत फड़के ऑडिटोरियम में आयोजित मुंबई गोवा हाईवे से निर्धार मेले में बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की रात को कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई है। इसमें प्रत्याशी चयन को लेकर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को आवेदन देना होगा। हरियाणा में लंबे समय से चल रही DGP पद की कवायद अब खत्म हो चुकी है। शत्रुजीत सिंह कपूर को प्रदेश का नया DGP बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1990 बैच के IPS अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर के नाम पर मुहर लगाई है। PK अग्रवाल 15 अगस्त को रिटायर हो चुके हैं। IPO में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एयरफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी का IPO 22 अगस्त को खुलकर 24 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशक 21 अगस्त को शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे। IPO के तहत 162 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। अमेरिका में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। साजिश के हमले में पुलिस ने एक 17 साल के किशोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस लड़के के संबंध अलकायदा से थे। उनके पास जो सामान बरामद हुआ है उसमें टेक्टिकल इक्विपमेंट, तार, केमिकल और रिमोट डेटोनेटर की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस शामिल है। भारतीय क्रिकेटर टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दिसंबर 2022 के अंत में एक भीषण रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। उसके बाद उनकी मुंबई में घुटनों की सर्जरी भी हुई, तभी से वे इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। अब रिकवरी के बाद एक बार फिर से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है।